हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हम स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट एनी पॉइंट, उसी को ही उस डिस्कशन को हम आगे लेके चलते हैं। तो पहले हम उसी का एनालिसिस करते हैं। तो देखो किस तरीके से हमने इसका एनालिसिस करना है। अब ध्यान से समझना बेटे, इसके सारे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में भी हमने इसको एनालाइज करने की कोशिश की थी। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, ड्यू टू अ डायपोल एट एनी पॉइंट, ड्यू टू अ डायपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है, इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास ना डायग्राम है। एक बार ये डायग्राम बन जाए ना, तो उसके बाद हम एनालिसिस बहुत आराम से कर लेते हैं। लेट सपोज डायग्राम बनाने के लिए लेट मी चेंज दी कलर, मैं कलर चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे ना हम क्या करते हैं, डायपोल कंसिडर करते हैं पहले। लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास चार्ज है माइनस क्यू का। डायपोल में यही होता है ना, सिस्टम ऑफ इक्विवेलेंट ऑपोजिट चार्जेस। तो ये माइनस क्यू का चार्ज है और सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a, और ये मैंने यहाँ पे रख दिया प्लस क्यू का चार्ज, राइट। और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट मान लेता हूँ। लेट सपोज ये मेरे पास क्यू पॉइंट है जहाँ पे तुमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इवेलुएट करनी है। ठीक है, अब इसका सेंट्रल पॉइंट मैं यहाँ पे ऐसे कंसिडर कर लेता हूँ। माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के बीच में बेटे जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो है 2a। ध्यान से बेटे सारे स्टेप्स को एक बार ध्यान से देखना, 2a। फिर मुझे पता है कि डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर है ना, डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन तुम लोगों को पता है, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन आ गई, जिसको मैंने डिनोट कर दिया पी के साथ। चलो ये काम भी हो गया। अब मैंने निकालना कौन से पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे निकालना है। लेट अस सपोज मैं इसको ना ज्वाइन कर देता हूँ, ये इस तरीके से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। क्यू पॉइंट पे मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वैल्यूएट करनी है। ठीक है, पी आ गया था, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो एंगल है ना बेटे, इसको थ्रीटा सपोज कर लेता हूँ। थ्रीटा सपोज कर लिया इसको। अब अगर ये वाला एंगल थ्रीटा है तो मेरे को कॉम्पोनेंट्स लेने हैं, और कॉम्पोनेंट्स लेने का तरीका तो मुझे पता है। तो यहाँ पे जो कॉम्पोनेंट आ जाएगा बेटे, वो कॉम्पोनेंट आएगा पी कॉस ऑफ थ्रीटा, राइट। कॉम्पोनेंट भी आ गया, और एक इसके परपेंडिकुलर वाला कॉम्पोनेंट होगा, परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट। अब अगर मैं ये पी कॉस थीटा बना दिया, तो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट कैसे बनेगा, ये बनेगा ऐसे। और अगर ये कॉस थीटा है बेटे, तो ये कौन सा थीटा होगा, ये मेरे पास हो जाएगा कॉम्पोनेंट पी साइन थीटा। ठीक है, तो यहां तक हमें पता लग गया, एक कॉम्पोनेंट हो गया मेरे पास पी कॉस थीटा, और एक कॉम्पोनेंट हो गया मेरे पास पी साइन थीटा। क्यू मेरे पास वो पॉइंट था जहां पे हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इवेलुएट करनी। अब ध्यान से देखो, और तुमने मुझे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी बता दी। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू तक, तभी तो मैंने इसको पी से यहाँ पे ऐसे डिनोट कर दिया। ठीक है, पी से हमने डिनोट किया था। अब देखो ये जो पी कॉस थीटा है, तुम पी को भूल जाओ, यहाँ पे जो हमारे पास पी था ना, जो कि इस एक्सिस पे जा रहा था फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये जो पी लिखा हुआ, इस पी को भूल जाओ, क्योंकि मैंने पी की जगह क्या लिख लिया, पी कॉस थीटा लिख लिया और पी साइन थीटा लिख लिया। ये पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा, जो कि पी के ही बेसिकली कंपोनेंट्स मैंने बना लिए। तो अब मेरे को एनालिसिस में सिर्फ पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा लेना है। अब ध्यान से देखो, ये जो क्यू पॉइंट है, क्या मैं कह सकता हूँ कि पी कॉस थीटा डाइपोल मोमेंट के हिसाब से ये क्यू पॉइंट उसके एक्सियल पॉइंट के ऊपर पड़ा है, और अगर एक्सियल पॉइंट के ऊपर पड़ा है, तो इसको मैं, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटे, कुछ इस तरीके से बना देता हूँ। ये इसको मैं क्या बोल देता हूँ, ई एक्सियल। ठीक है, अब यहाँ पे ना स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछेंगे कि सर आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये क्यों बनाई, इस तरफ ही क्यों बनाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो तुम्हारे पास एक्सियल पॉइंट होता है, जब तुम उसमें डायरेक्शन निकालते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायपोल की वजह से, तो वो डायपोल मोमेंट के अलोंग ही आती है डायरेक्शन। ठीक है, एक्सियल पॉइंट में जब भी तुम डायपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हो, तो वो अलोंग ही आती है। वो एनालिसिस देखना जिसमें हमने इसको डिराइव किया था। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट की।
अब ध्यान से देखो, मान लो ये जो मेरे पास पी साइन थीटा है, क्योंकि पी को तो हम भूल गए थे, मैंने कहा था अब तुम पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा को कंसिडर करो। तो अब ये तुम्हारे पास जो पी साइन थीटा हो गया, उसमें ये जो क्यू पॉइंट है, इस पी साइन थीटा के हिसाब से ये क्यू पॉइंट कौन सा पॉइंट है? इक्विटोरियल पॉइंट। इक्विटोरियल पॉइंट हो गया ना, ये देखो ये मेरे पास क्यू पॉइंट है और डाइपोल तो बेटा ऐसे है पी साइन थीटा। पी साइन थीटा, सर पी को क्यों नहीं कंसिडर किया? पी को तो करना ही नहीं कंसिडर, क्योंकि पी के तो दो कॉम्पोनेंट्स ले लिए हमने, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। तो यहाँ पे हम आ गया क्यू पॉइंट पे, यहाँ पे पहुंच गए, हमें ये पता लग गया कि ये इक्विटोरियल पॉइंट पे है। अब इसकी डायरेक्शन निकालनी है। इक्विटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, दैट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट वेक्टर। देखो अब पी साइन थीटा ऐसे बना ना, तो मान लो जो डाइपोल है ना, उसको मैं कुछ इस तरीके से कंसिडर कर लेता हूँ कि जी अब डाइपोल ऐसे हो गया। अगर डाइपोल हो गया तो ये माइनस क्यू चार्ज था, उठ के इधर आ गया माइनस क्यू चार्ज, और प्लस क्यू चार्ज था, प्लस क्यू चार्ज मेरे पास कहाँ पे आ गया? ये प्लस क्यू चार्ज इधर मैंने इसे शो कर दिया, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज अगर ऐसे शो कर दिया, तभी तो इस पॉइंट के, इस डाइपोल के रिस्पेक्ट में ये जो क्यू पॉइंट है वो इक्विटोरियल पॉइंट है, ठीक है। अब ये मेरे पास माइनस क्यू हो गया और ये मेरे पास प्लस क्यू हो गया। तो जब तुम इक्विटोरियल पॉइंट पे निकालोगे ना बेटे, अब ध्यान से देखना, मैंने तुम्हें क्या बोला कि इक्विटोरियल पॉइंट पे जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड की। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन के। तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, मतलब ऐसे आ रही है डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इससे ऑपोजिट होगी, मतलब कुछ इस तरफ होगी। और अगर इसी तरफ के वेक्टर को मैंने ऐसे बनाना है यहाँ पे, तो ये मेरे पास बन गया कुछ ऐसे, और ये मेरे पास कौन सा पॉइंट हो गया? ई इक्विटोरियल पॉइंट। आई सपोज अब सभी को क्लियर हो गया होगा ई एक्सियल और ई इक्विटोरियल। इसमें डायग्राम ही जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसके आगे तो हमारे पास फाइनल वो जो इक्वेशंस हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, वो हमने यूज कर लेने हैं। अब देखो जो ई एक्सियल है, ई एक्सियल शॉर्ट डाइपोल के लिए, ई एक्सियल का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है शॉर्ट डाइपोल के लिए, वो होता है टू के इंटू पी। अब यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है एक्सियल के लिए कौन सा है? पी की जगह क्या यूज कर लूंगा मैं? पी कॉस थीटा, क्योंकि पहले ही हमने कॉम्पोनेंट में रिजोल्व कर लिया था ना उसको, इसलिए। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज टू की के इंटू पी इंटू कॉस ऑफ थ्रीटा अपॉन आर क्यू। इसी तरीके से बेटे जो ई इक्विटोरियल है, ई इक्विटोरियल उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू हो जाती है, वहां पे हमने पढ़ा था के पी अपॉन आर क्यूब, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? इज इक्वल टू व्हाट? के इंटू पी, ठीक है। लेकिन पी कौन सा आएगा? क्योंकि पी को तो हमने हटा दिया था, पी आएगा पी साइन थ्रीटा वाला, तो पी साइन थ्रीटा वाला आएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा? के पी इंटू साइन थ्रीटा अपॉन आर क्यूब, ये फैक्टर आ गया। ई एक्सियल भी आ गया, ई इक्विटोरियल भी आ गया। अब ये ई इक्विटोरियल है और ये ई एक्सियल है, अगर मैं इसकी नेट निकालूंगा तो नेट कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इसको मैं बोल देता हूँ ई नेट। और ई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? ई नेट की वैल्यू यहाँ पे हम लिख देते हैं, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई इक्विटोरियल, इसका हम कर देते हैं स्क्वायर, है ना, प्लस साथ में क्या हो जाएगा? ई एक्सियल, ई एक्सियल का भी हम कर देते हैं स्क्वायर, क्योंकि ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, सबको पता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थ्रीटा। लेकिन यहाँ पे जो थ्रीटा की वैल्यू है वो कितनी है? 90 डिग्री, तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा इक्वल्स टू, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई इक्वटोरियल का स्क्वायर। ई इक्वटोरियल कहाँ पे? ये रहा, इसको हम बोल देते हैं दिस इज इक्वल टू व्हाट? के इंटू पी इंटू साइन ऑफ थ्रीटा अपॉन अपॉन आर क्यूब, ठीक है। इसका हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, प्लस प्लस बन जाएगा टू के इंटू पी इंटू कॉस ऑफ थ्रीटा अपॉन
आर क्यूब का स्क्वायर, ये बन गया ऐसे 2kp cos theta अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से मैं क्या करता हूँ, kp अपॉन आर क्यूब कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहां से मेरे पास kp अपॉन आर क्यूब बाहर आ जाएगा जब तुम अंडर रूट को सॉल्व कर दोगे, और अंडर रूट के अंदर तुम्हारे पास बन जाएगा, एक बच गया साइन स्क्वायर थीटा, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 2 का स्क्वायर 4, तो अंदर क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos square theta। ठीक है, तो फाइनल रिलेशन आ जाएगा kp अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos square theta। अब ऊपर वाले कुछ स्टेप्स को इरेज करते हैं और इसको इसी में ही आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो इसको मैंने इरेज कर दिया, तो यहीं पे हम कंटिन्यू करते हैं ये वाले नीचे वाले स्टेप्स को और फाइनल आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। राइट, ये वाला भी कर देता हूँ, ई नेट वाला भी कर देता हूँ, समझ आ गया तुमको नेट रिजल्टेंट की वैल्यू। तो अब क्या होगा, इसके आगे अगर मैं लिखूं यहाँ पे, देखो ये वाला स्टेप बेटे ऊपर लिख दिया मैंने, सपोज ये स्टेप मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा ई नेट इज इक्वल टू के इंटू पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है, अंडर रूट ऑफ, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos square theta था ना, इसको अलग अलग लिख लिया, यहाँ पे मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 4 cos square theta में से 1 cos square theta निकल गया, तो जब 1 cos square theta निकल गया तो कितना बच गया प्लस 3 cos square theta। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यहां से ई नेट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास केपी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1, तो ये बन गया 1 + 3 cos square theta। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन जो कि हमने इवेल्युएट कर लिया, वो क्या होगा मेरे पास ई नेट इज इक्वल टू केपी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos square theta। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला आ गया, कुछ स्टेप्स और हम इरेज करते हैं, नीचे ये वाला स्टेप इरेज कर देते हैं, तो फाइनल फॉर्मूला देखो, ये ध्यान रखना तुमने, ई नेट का फाइनल फॉर्मूला क्या आया, केपी अपॉन आर क्यूब इंटू 1 + 3 cos square theta। अपना डायरेक्शन इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं, तो डायरेक्शन इवेल्युएट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो हमारे पास एंगल है, लेट अस सपोज इसको मैं बोल देता हूँ अल्फा, तो अगर अल्फा हो गया ये, तो इसके केस में हमारे पास टैन अल्फा कैसे आ गया, टैन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर मतलब ये वाला परपेंडिकुलर क्या होगा, इक्विटोरियल, सो टैन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, इक्विटोरियल अपॉन एक्सियल। लेकिन इक्विटोरियल की वैल्यू तुमने ऊपर निकाली थी, वो कितनी थी हमारे पास, वो थी केपी, इक्विटोरियल की वैल्यू थी केपी साइन थीटा भी ऊपर हम निकाल के हैं, केपी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और ई एक्सियल की वैल्यू क्या थी, वो थी मेरे पास 2 × k × p × cos of theta अपॉन आर क्यूब, अपॉन आर क्यूब यही लिख देता हूँ आर क्यूब। तो अब देखो ये आर क्यूब इस आर क्यूब के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अच्छा, ये केपी इस केपी के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास जो टैन अल्फा की वैल्यू है वो आ गई बेसिकली टैन ऑफ थीटा अपॉन 2। तो ये मेरे पास डायरेक्शन आ गई बेटे, ये हमारे पास डायरेक्शन इवेल्युएट कर लिया हमने, तो डायरेक्शन भी इवेल्युएट कर ली, जिसका आंसर आ गया टैन अल्फा इज इक्वल टू टैन थीटा अपॉन 2, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने इवेल्युएट कर ली, जिसका आंसर आ गया केपी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos square theta। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, ये चीज हमें समझ में आ गई। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाली, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली केपी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos square theta। चलो देखते हैं ये रिलेशनशिप ठीक है, अपना इक्विटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट पे निकालने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू पता ही है डाइपोल के लिए।
तो सबसे पहले मैं करता हूँ एक्सियल पॉइंट पे। अब एक्सियल पॉइंट पे जब हम करेंगे तो वी नो दैट द एंगल थीटा एट एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब अगर एंगल थीटा 0 डिग्री हो गया तो यहाँ पे मेरे पास ई नेट की वैल्यू आ जाएगी, इट इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos² 0 डिग्री। ठीक है, तो यहां से मेरे पास वैल्यू आ गई ई नेट इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब। cos² 0 डिग्री कितना होता है? cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 + 3 कितना आ गया? 4। 4 का अंडर रूट कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, जो कि करेक्ट एक्सप्रेशन है, हमने पहले भी इसको इवेल्युएट किया हुआ है। ठीक है, ये तो हमने एक्सियल पॉइंट पे निकाल लिया बेटे। अब हम निकालते हैं इक्विटोरियल पॉइंट पे। इक्विटोरियल पॉइंट तो इक्विटोरियल पॉइंट पे हमें पता है कि वर्टिकल पॉइंट होता है और थीटा की वैल्यू कितनी होती है? थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री। 90 डिग्री वैल्यू होती है, तो फिर से हम इस एक्सप्रेशन में डालेंगे थीटा की वैल्यू। तो अब देखो cos² 90 हो गया, cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। यानी कि ये पूरा एक्सप्रेशन तो हमारे पास 0 ही आ गया, सिर्फ 1 ही बच गया। तो अगर 1 बच गया तो यहाँ पे मैं ई नेट की वैल्यू सीधा लिख देता हूँ, वो आ जाती है मेरे पास के पी अपॉन आर क्यूब, विच आर एक्चुअली दी वैल्यूज ऑफ द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन द केस ऑफ इक्विटोरियल पॉइंट एंड इन द केस ऑफ एक्सियल पॉइंट। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हमने यहाँ पे एनालाइज किया है, जो कि है हमारे पास ई नेट विच इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos² थीटा। हमने किसी भी एंगल थीटा पे, अब ये एंगल के थीटा को तुम किसी भी हिसाब से एडजस्ट करो, तुम स्पेस के किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आराम से इवेल्युएट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा। और दूसरा, अगर हमने डायरेक्शन निकाली तो डायरेक्शन का भी हमने फाइनल जो रिलेशनशिप निकाला वो क्या निकाला? टैन ऑफ अल्फा। हमने यहाँ पे टैन अल्फा की वैल्यू निकाली थी, टैन ऑफ थीटा अपॉन 2। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि डायरेक्शन को हमने अच्छे से एनालाइज करना है, और डायग्राम को अच्छे से एनालाइज करके हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की वैल्यू इवेल्युएट कर देंगे। चलो, ये तो हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में देखो किस तरीके से हमने करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि वी नीड टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने यहाँ पे निकालना क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है हमने, और किसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है हमने? डिस्क की वजह से। डिस्क, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। देखो, बताने की जरूरत नहीं है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने क्या निकाला? के क्यू अपॉन आर। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या निकाला? के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, वेयर क्यू वन एंड क्यू टू एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट अ पर्टिकुलर सिस्टम। ठीक है, ये सारे हमने रिलेशनशिप इवेल्यूएट किए। तो अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है मैंने ड्यू टू अ डिस्क, डिस्क की वजह से निकालना है एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, हेडिंग को तुमने नोट कर ली होगी, हेडिंग डायग्राम बनाता हूँ। देखो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डिस्क कंसिडर करते हैं। ये हमने डिस्क कैसे कंसिडर कर लिया है, लेट अस सपोज, और लेट अस सपोज ये जो डिस्क है इसका रेडियस बेटे ले लिया मैंने कैपिटल आर। ठीक है, जिस पॉइंट पे तुमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है वो पॉइंट है लेट अस सपोज पी। इस पॉइंट पे तुमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। लेट अस सपोज ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ एक्स। और ध्यान रहे, ये क्या है, ये डिस्क है पूरी। दिस इज अ कंप्लीट सॉलिड डिस्क, कंप्लीट सॉलिड डिस्क, राइट। और तुमने पी पॉइंट पे वैल्यू इवेल्युएट करनी है कैपिटल आर रेडियस। अब देखो, एक सिंपल सा फंडामेंटल मैं बार बार बोलता था कि अगर हमने किसी भी कंक्रीट सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इवेल्युएट करनी है तो कुछ नहीं करना, हमने उस डिस्क को डिफरेंट डिफरेंट सब पार्ट्स में तोड़ देना है, और फिर तोड़ के उस एक सब पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इवेल्युएट कर लेंगे, और बाद में उस सब पार्ट को हम इंटीग्रेट करके पूरी डिस्क बना देंगे। ठीक है, तो
तो यहाँ पे जो सब पार्ट है ऑब्वियसली डिस्क के लिए, 11th में भी हमने किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते होते थे डिस्क का, वहां पे भी हम पहले ना एक छोटी सी रिंग ले लेते होते थे, ये लेट सपोज मैं इसका लेट मी चेंज द फॉर्मेट ऑफ द कलर तो क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये छोटी सी ना रिंग कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, ये मैंने रिंग कंसिडर कर ली, सो दिस इज द रिंग, ठीक है। और ये रिंग मैंने पता क्या किया, ये आर डिस्टेंस पे मैं गया और डी आर थिकनेस की रिंग मैंने कंसिडर कर ली, आर डिस्टेंस पे मैं गया और डी आर डिस्टेंस की रिंग मैंने कंसिडर कर ली, ठीक है। चलो ये बात हो गई। अब देखो जो पूरा का पूरा चार्ज इस डिस्क के ऊपर दिया हुआ है ना, लेट अस सपोज वो चार्ज तुम्हें गिवन है, वो चार्ज कितना है क्यू, और सिग्मा भी तुमको पता है, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है बेटे, इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं, एक होता था लैम्डा, लैम्डा क्या होता था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। फिर होता है सिग्मा, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। फिर होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रो बोलते हैं, वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चलो वापस आते हैं इस पे। तो मैंने क्या किया, बेसिकली आर डिस्टेंस पे जाके डी आर से हमने इवेल्युएट कर ली, एक मिनट, डी आर से हमने ये इवेल्युएट कर ली। देखो तो अब हम क्या करते हैं, लेट सपोज इस पार्ट की जो नेट पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल होगा इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को बना लेते हैं, ये डिस्टेंस हमारे पास ऐसे आ गया, देखो ये इधर हमारे पास देखो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया इधर ऐसे, यहां से सॉरी इसको मैं इरेज करता हूं, अब देखो तो हमने ना ये छोटे वाला पार्ट जो कंसीडर किया है, इस छोटे वाले पार्ट का डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक ये ऐसे हो गया। तो इस पॉइंट पे ना, पी पॉइंट पे मैंने नेट पोटेंशियल की वैल्यू इवैल्यूएट करी है, और मैंने इसको ब्रेक कैसे किया है, मैंने एक स्मॉल रिंग कंसीडर की है, और रिंग कितने डिस्टेंस पे कंसीडर की है, आर डिस्टेंस पे कंसीडर की है, और रिंग की जो थिकनेस है वो कितनी है, रिंग की डी आर है थिकनेस उसकी, ठीक है। तो रिंग का एरिया कितना हो जाएगा, हमें पता है ना स्मॉल पार्ट का एरिया कैसे निकालते होते हैं, रिंग की सरकमफेरेंस ले लेंगे, सरकमफेरेंस क्या हो गई रिंग की, 2πr, और छोटी सी डिस्क, छोटी सी रिंग का जो तुम्हारी थिकनेस है वो कितनी होगी, डी आर। तो रिंग का एरिया हो जाएगा 2πr इंटू डी आर। अब ध्यान से देखना, मान लो ये जो मेरे पास रिंग है, इस रिंग के ऊपर चार्ज मैं कंसिडर कर लेता हूँ डी क्यू। तो हमें अब डी क्यू की वैल्यू वैल्यूएट करनी है, कितनी है डी क्यू की वैल्यू, वैल्यूएट करेंगे हम सिग्मा की टर्म्स में, सिग्मा सिग्मा की टर्म्स में वैल्यूएट करेंगे। सिग्मा होता क्या है, सिग्मा होता है, सिग्मा इज दी चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि हमारे पास सिग्मा हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको रिंग के एरिया के साथ। तो जब रिंग के एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2πr इंटू डी आर। तो ये तो होगी बेटे डी क्यू की वैल्यू। अब तो काम बड़ा आसान है, छोटा चार्ज तुम्हारे पास आ गया, अब पोटेंशियल निकाल लो, छोटे पोटेंशियल की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे dv, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज इक्वल टू व्हाट, k इंटू डी क्यू अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, अब देखो डिस्टेंस यहाँ से लेके ये वाले पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट तक, ये तो मेरे पास x हो गया और ये है मेरे पास r, तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, के क्यू बाय आर होता है ना पोटेंशियल का फॉर्मूला, बताने की जरूरत तो नहीं है, ये तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है, के इंटू डी क्यू अपॉन आर होता है। तो वो मेरे पास क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास स्मॉल डी वी की वैल्यू आ गई, राइट। तो विच इज इक्वल टू,
विच इज इक्वल टू के इंटू डी क्यू। डी क्यू की वैल्यू तुमने ये वैल्यूएट किया, ये देखो ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, सिग्मा इंटू टू पाई आर, है ना। तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू टू पाई आर इंटू डी आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटे हमारे पास, डीवी की वैल्यू आ गई। अब ध्यान देना, डीवी की वैल्यू हमने इवैल्यूएट कर ली के, क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी। चलो सिग्मा होता है हमारे पास बच्चे, सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया, उसको हमने सिग्मा कंसिडर किया है। तो चार्ज पर यूनिट एरिया को रिंग के एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिंग के ऊपर जो चार्ज है जिसको मैंने डी क्यू बोला उसकी वैल्यू मैं इवेल्युएट कर लूंगा, तो वो एक्सप्रेशन लिखा हमने, ठीक है। तो हम इसको इसको इरेज करते हैं और फिर अगला स्टेप पढ़ते हैं इसका। देखो यहां से ये रिंग का भी डायग्राम क्लियर हो गया, तो मेरे को स्पेस चाहिए, तो मैं ये रिंग भी इसको भी मैं सब कुछ इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो टू पाई आर डी आर सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, ये भी सिर्फ लास्ट स्टेप छोड़ देंगे, फिर बाद में हम उसका यूज करके फर्दर एक्सप्रेशन जो है वो इवेल्युएट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे बेटे आ गया मेरे पास डीवी। डीवी लिखता हूँ मैं यहाँ पे दोबारा, डीवी इज बेसिकली इक्वल टू, इट इज इक्वल टू व्हाट, के इंटू सिग्मा इंटू टू पाई आर इंटू डी आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलो जी एक्सप्रेशन लिख लिया, तो नीचे वाला पार्ट भी इरेज कर देता हूँ, ये भी इरेज कर दिया मैंने प्योर। अब इसमें ना इंटीग्रेशन है, अब ध्यान से देखना इंटीग्रेशन किस तरीके से करनी है। मेडिकल वाले तो बहुत ध्यान से देखें इंटीग्रेशन। देखो तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल इवैल्यूएट करते हैं। तो जब पोटेंशियल इवैल्यूएट करेंगे ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वी। पोटेंशियल क्या होगा, इट शुड बी द इंटीग्रेशन ऑफ डी इंटू वी, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी कर दिया, विच इज इक्वल टू वॉट, इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू सिग्मा इंटू टू पाई आर इंटू डी आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जो जो चीजें हमारे पास कांस्टेंट है ना, उसको बाहर निकाल लेते हैं। के कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लेंगे, के बाहर आ गया। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे। टू पाई तो नंबर है बेटे, वो तो वैसे ही बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया इंटीग्रेशन ऑफ आर इंटू डी आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलो जी इस स्टेप को यहीं छोड़ते हैं। आप इस स्टेप में हमारे पास के तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, टू पाई वैसे ही हमारे पास एक नंबर है, ये सारा तो कांस्टेंट पैरामीटर है। इंटीग्रेशन कहानी सारी सिर्फ इस पार्ट की है, इस वाले पार्ट की। तो मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करता हूँ, बाद में इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है। तो देखो अब इस वाले पार्ट को अलग से सॉल्व करते हैं यहाँ पे नीचे, ये इसको मैंने एरो बना के ऐसे शो कर दिया। अब देखो कैसे, सिर्फ इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ मैं, इस वाले पार्ट को अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ आर इंटू डी आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा हमने लिमिट्स तो देखी नहीं कि लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लेंगे। तो भैया हमने जो रिंग है उस पूरी रिंग को कवर करना है, तो अगर उस पूरी रिंग को कवर करना है तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लेंगे, जीरो से लेके कैपिटल आर तक। बहुत सिंपल है, जीरो से लेके कैपिटल आर तक, तभी तो पूरी की पूरी डिस्क कवर होगी भाई। मल्टीपल रिंग्स एक्चुअली ज्वाइन टू फॉर्म अ डिस्क, सो इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कंप्लीट डिस्क यू हैव टू ज्वाइन द मिनिमम मिनिमम रिंग्स एंड अल्टीमेटली यू हैव टू टेक द लिमिट्स फ्रॉम जीरो टू आर। तो वो मैंने ले लिया यहाँ पे, लिमिट्स ले ली मैंने कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू आर। तो जब हमने जीरो टू आर यहाँ पे लिमिट्स लिख लेता हूँ मैं, दिस इज व्हाट जीरो एंड दिस इज व्हाट आर। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करूं, इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए ना, लेट अस सपोज मैं लिख देता हूँ कि पुट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, पुट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, टी स्क्वायर। ये स्टेप यहां से है आगे, पुट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो जब इसको डिफरेंशिएट करो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर को, तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास, टू आर डी आर
एक्स तो कांस्टेंट है वो खत्म, इक्वल्स टू व्हाट, टू इंटू टी इंटू डी टी, ठीक है, टू से टू हमारे पास कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारे पास आ गया आर डी आर इज इक्वल टू टी इंटू डी टी। तो चेंज करें जरा इस टर्म को, तो जब हम इस टर्म को चेंज करेंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगी, आर डी आर की जगह तुमने क्या लिख दिया, आर डी आर की जगह लिख दिया तुमने टी इंटू डी टी, ठीक है। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में आता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा हमारे पास टी, ठीक है। तो टी से टी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, चलो वो बात की बात है। अरे हमने लिमिट्स तो चेंज की ही नहीं, तो लिमिट्स भी तो चेंज करनी पड़ेंगी। पहले हमारे पास है जीरो, ये लोअर लिमिट है, और अपर लिमिट की वैल्यू है कितनी आर, तो लिमिट्स कैसे चेंज करेंगे, ये आर की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे तुम्हारे पास एक्सप्रेशन क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो जब तुम्हारे पास आर की वैल्यू जीरो है, ये देखो ना एक्सप्रेशन, लिमिट्स चेंज करने के लिए मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। जब तुम्हारे पास आर की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास जीरो स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ पे तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई टी। ध्यान से देखो क्या किया, लिमिट्स को चेंज करने के लिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर था, और लिमिट्स किसकी हैं, ये ऑब्वियसली बात है आर की हैं, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में ही तो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, देखो ना साथ में डी आर भी तो आ गया, तो आर के रिस्पेक्ट में ही तो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, ये जो लिमिट्स हैं इसको जब मैंने चेंज किया तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है, आर की वैल्यू जीरो, क्योंकि ये देखो लोअर लिमिट जीरो है ना, तो जीरो स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे मेरे पास टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, एक्स, यानी कि नीचे लोअर लिमिट मेरे पास कितनी बन गई, लोअर लिमिट बन गई मेरे पास एक्स बन गई। अब अपर लिमिट निकालते हैं हम, देखो कैसे निकालें, अपर लिमिट में जो तुम्हारी स्मॉल आर की वैल्यू है वो कितनी है कैपिटल आर, फिर से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पे, तो जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो अब क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, है ना, ठीक है ना। तो अब जब तुमने स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर पुट करनी है, तो अपर लिमिट कैसे निकालूं, यहाँ पे क्या पुट कर दूं, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में टी स्क्वायर था ना, टी स्क्वायर का तुमने टी इवैल्यूएट करनी है ना, तुमने तो फाइनल ये निकालना है ना कैपिटल जीरो से लेके कैपिटल आर, ध्यान से देखना जीरो से लेके कैपिटल आर को तुमने चेंज किया है, तो जब तुम जीरो से लेके कैपिटल आर तक तो चेंज करोगे, तो मैंने क्या किया यहाँ पे स्मॉल आर की जगह क्या डाल दिया कैपिटल आर, तो जब कैपिटल आर डाल दिया तो टी स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट्स इस तरीके से चेंज होंगी। भी फिर से बताता हूँ एक बारी, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, लोअर लिमिट में मैंने क्या किया, जो आर की वैल्यू है स्मॉल आर की वैल्यू उसको जीरो पुट कर दिया, तो यहाँ पे देखो स्मॉल आर की वैल्यू को जीरो पुट कर दिया, तो जब जीरो पुट करेंगे तो टी की वैल्यू कितनी एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी टी के इक्वल, राइट। तो इसलिए तो जो लोअर लिमिट है उस लोअर लिमिट में मैंने वैल्यू एक्स डाल दी, फिर अपर लिमिट निकालूंगा, अपर लिमिट के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा था, कैपिटल आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़नी थी, तो जब कैपिटल आर सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, आर स्क्वायर ये कैपिटल आर बन गया, तो रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये अपर लिमिट हो गई, ठीक है। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, तो मेरे को देखो कुछ स्टेप्स मेरे को इरेज करने पड़ेंगे ताकि मैं इस एक्सप्रेशन को कंप्लीट करूं, तो मेरे पास लिमिट्स आ गई, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये हमने इरेज कर दिया जिससे हमने लिमिट्स निकाली थी, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम अगले स्टेप्स करते हैं, देखो इस पोर्शन पे हम अगले स्टेप्स करते हैं यहाँ पे, तो मेरे पास जो फाइनल वैल्यू है वो क्या आ गई थी, फाइनल वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आई, ये वैल्यू आ गई थी ना हमारे पास, तो इंटीग्रेशन ऑफ लिख देता हूँ यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ टी टी तो कैंसिल हो गया था, बच क्या गया था सिर्फ डी टी,
और डीटी की लिमिट्स तुमने कितनी बना दी थी, नीचे वाली बना दी थी एक्स, और ऊपर वाली कितनी बना दी थी, ऊपर वाली बना दी थी कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर वाली बना दी थी। अब डीटी की इंटीग्रेशन कितनी होती है, डीटी की इंटीग्रेशन होती है टी, तो जब डीटी की इंटीग्रेशन टी होती है तो लोअर लिमिट हमारे पास कितनी है एक्स, और अपर लिमिट कितनी है हमारे पास अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपर लिमिट है। वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं, ठीक है, जब वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो टी की वैल्यू पहले अपर लिमिट के डाल देते हैं, वो मेरे पास क्या आएगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया फाइनल, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन करके सॉल्व आया, इंटीग्रेशन करके मतलब ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, इस पार्ट की तुमने इंटीग्रेशन निकाल ली है। अब ये देखो इस पार्ट की, इसकी इंटीग्रेशन तुमने इवेलुएट कर ली है, इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू तुमने कितनी इवेलुएट की है, ये आ गई तुम्हारे पास अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन के स्टेप्स हैं, बहुत डिटेल में मैंने किए हैं, तो अगर तुम स्टेप बाय स्टेप खुद साथ से लिखोगे ना, थोड़ा सा अपना अपना एनालिसिस भी साथ साथ करोगे तो तुम्हें बहुत आराम से समझ में आएगा। तो चलो मैं कुछ इरेज कर रहा हूँ इसको, एनालिसिस को कंप्लीट करने के लिए मैं ये वाला पार्ट जो है वो सारा इरेज कर रहा हूँ, देखो, क्योंकि फाइनल हमें वही चाहिए ना, ऊपर वाला एक्सप्रेशन चाहिए, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो इसको हमने जब इरेज किया जस्ट लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, नाउ सी, नाउ लुक वेरी केयरफुली, इसको मैं यहाँ पे ना इसको डिवाइड कर देता हूँ, ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिया, और इसका पेन का कलर ब्लैक कर देता हूँ। सुनो अब देखो, फाइनल में एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ जो तुम्हारा पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया, विच इज इक्वल टू के, ये के था ना, के की वैल्यू मैं डाल देता हूँ, वो कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा सिग्मा, इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई, इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई, ठीक है। और फाइनल एक्सप्रेशन अंदर हमारे पास क्या आ गया था, ये आ गया था रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स, ये आ गया था, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो हमारा 2 पाई है इस 4 पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो 2 ही आ जाएगा, तो पोटेंशियल का मेरे पास फाइनल रिलेशनशिप आ जाएगा बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सो इट इज इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स, सो दिस इज द फाइनल रिलेशनशिप फॉर व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे ना हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला है, किसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला है, डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला है, और कैसे डिस्क को छोटी छोटे रिंग्स में कन्वर्ट करके, फिर रिंग को कंसिडर करके, रिंग का पोटेंशियल निकाल के, बाद में टोटल पोटेंशियल को इंटीग्रेट करके हमने अपना एनालिसिस जो है वो इवेलुएट कर लिया, जो वैल्यू हमारे पास आ गई वी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर सिग्मा क्यों यूज किया, सिग्मा इसलिए यूज किया क्योंकि डिस्क है, तो डिस्क तो हमारे पास सरफेस है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बन गई, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, और डिस्क का एरिया हमको पता है, वैसे हमने इवेलुएट कर लिया। अच्छा फिर सेकेंड क्वेश्चन इसमें होता है कि सर जो आपने रिंग ली है उसका एरिया आपने 2πr(dr) लिखा है, वो कैसे लिखा है। जब भी हम स्मॉल एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं तो उन स्मॉल एलिमेंट्स का जो एरिया होता है बेटे, वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ में अगर हम लेंथ देखें तो वो तो सरकमफ्रेंस होगी, किसकी सरकमफ्रेंस होगी, पूरी रिंग की सरकमफ्रेंस होगी, रिंग की सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2πr, वो उसकी लेंथ हो गई, और उसकी ब्रेथ कितनी होगी, जो तुम्हारी रिंग की विड्थ होगी, और रिंग की विड्थ कितनी होती है, दैट इज dr, तो तुम्हारे पास एरिया कितना आ गया, इट इज इक्वल टू 2πr(dr), ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन मेरे को जनरली लगे थे वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। उसके बाद इंटीग्रेशन का तो रिलेशन, ये जो इंटीग्रेशन का मेथड है ना, दिस इज इंटीग्रेशन बाय दी सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी वैल्यू को, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं और एनालिसिस अपना सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो दो चीजें हमने पढ़ी,
एक चीज हमने पढ़ी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट एनी पॉइंट, उसकी वैल्यू हमने निकाल ली। फॉर्मूला आया था जिसका केपी अपॉन आर क्यूब, ये फॉर्मूला ना टिप्स पे याद होने चाहिए, तब आता है तब क्वेश्चन हो सकते हैं। फॉर्मूला आया था उसका केपी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा हमने निकाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, उसका फॉर्मूला तुम्हारी स्क्रीन के सामने है, वो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। तो ये दो चीजें करी हमने आज ना, तो होपफुली तुमको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू।